गुप्ता जी के YouTube चैनल पर। और आज हम लोग इस वीडियो में क्या खास करने वाले हैं, देखो गाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, आप सभी के एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं। सबसे पहले मैं जल्दी से बता देता हूँ कि आपको अगर फेसबुक पेज से जुड़ना है तो उसका नाम है GK वेदर्स, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है उसका नाम है अंकित गुप्ता GK, टेलीग्राम चैनल का नाम बनेगा अंकित गुप्ता GK, ये ऑफिशियल चैनल है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे सभी चैनल फेक होंगे, याद रखिएगा। अब देखिएगा, मैंने सेशन में वो सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप सभी के लिए फ्रेम किए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ क्वेश्चंस के साथ साथ बहुत सारे ऐसे वन लाइनर फैक्ट्स भी आपको जानने को मिलेंगे जो कि भारत में प्रथम, अब भारत में प्रथम कुछ भी हो सकता है, भारत का प्रथम भारत की पहली मिसाइल भी हो सकती है, भारत का पहला सेटेलाइट भी हो सकता है, भारत की पहली महिला, भारत के पहले पुरुष, भारत के पहले ये मंत्री, भारत के पहले वो मंत्री, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स बनते हैं जो कि भारत में पहली बार हुए थे और कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज के जो अधिकारी थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा को पास किया और इस सर्विस को ज्वाइन किया, तो वो अधिकारी कौन थे? रास बिहारी बोस, सत्येंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन चार हैं आप सभी के सामने। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के पहले ICS अधिकारी जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज सेवा को यहां पर ज्वाइन किया था, तो करेक्ट आंसर आपका बनता है सत्येंद्रनाथ बोस, ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा था कि फर्स्ट वुमेन IAS ऑफिसर आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भारत की आज़ादी के बाद भारत की पहली महिला IAS अधिकारी कौन थी जिन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को यहां पर ज्वाइन किया था, तो आंसर आपका बनेगा अन्ना राजम मल्होत्रा। नाम याद रखिएगा, अन्ना राजम मल्होत्रा यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। अब हम लोग थोड़ी सी बात और जानकारी सत्येंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में भी जान लेते हैं। ही वॉज दी फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन दी इंडियन सिविल सर्विसेज इन 1863, 1863 में इन्होंने भारतीय सिविल सेवा को यहाँ पर ज्वाइन किया था। ये एक ऑथर भी थे, लेखक भी थे और सॉन्ग कंपोजर भी थे। बहुत कम लोगों को जानकारी है कि सत्येंद्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई भी थे। तो ये भारत के पहले वो व्यक्ति जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया था आप सभी के सामने है। इस तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस पूरे सेशन के दौरान देखने को मिलेंगे। तो चलिए बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र। जितने भी क्वेश्चन आपको यहां पर इस सेशन में देखने को मिलेंगे, सभी के सभी जो क्वेश्चन हैं वो इंडिया के ऊपर बेस्ड बनते हैं। सभी के सभी जो क्वेश्चन हैं वो आपके इंडिया के ऊपर बेस्ड बनते हैं, चाहे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए। अगर पूछा गया है फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र इन इंडिया, यानी कि भारत में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले भारतीय अधिकारी की बात यहां पर करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, गुरबचन सिंह, करम सिंह, जदुनाथ सिंह और सोमनाथ शर्मा। करेक्ट आंसर यहां पर बनता है सोमनाथ शर्मा। इनको परमवीर चक्र से नवाजा गया था, परमवीर चक्र से नवाजे गए पहले भारतीय सिपाही थे। सोमनाथ शर्मा जी की बात करते हैं, एन इंडियन आर्मी ऑफिसर, भारतीय आर्मी के ऑफिसर थे। वाज दी फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र। एक बात आपको यह भी याद रखनी है कि परमवीर चक्र उसी वीर को दिया जाता है जिसने युद्ध परिस्थितियों के दौरान या दुश्मन की उपस्थिति में अदम्य साहस और बहादुरी का परिचय देते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, उसे परमवीर चक्र के लिए चुना जाता है। परमवीर चक्र की स्थापना की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को इस परमवीर चक्र को स्थापित किया गया था। आर्मी डे की बात करते हैं, आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो 14 जनवरी आपको यहां पर आंसर याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट वुमेन रूलर ऑन दिल्ली'स थ्रोन, यानी कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली महिला शासक कौन थी? जोधाबाई, नूरजहां, महामंगा, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर यहां पर जो बनता है वो बनता है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि महामंगा जिन्होंने अकबर का पालन पोषण किया, नूरजहां की हम बात करें तो शाहजहां की ये वाइफ बनती हैं, जहांगीर की ये वाइफ बनती हैं। जोधाबाई की बात करें तो इन्हें वाइफ माना जाता है अकबर की, लेकिन यहां पर जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है रजिया सुल्ताना, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई यहां पर करेक्ट आंसर दिया गया। 1236 से लेकर 1240 के बीच में इन्होंने दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सिंहासन पर राज किया। एंड सी वाज फेमसली दी ओनली फीमेल एवर
टू रूल दी दिल्ली सल्तनत, दिल्ली के सिंहासन पर राज करने वाली अभी तक की इकलौती महिला जो फीमेल हैं वो हैं रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना की बात करें तो इनका जो टॉम्ब है, इनका जो मकबरा है, कहाँ पर मौजूद है? इनका मकबरा दिल्ली में ही मौजूद है। इनके पिता का नाम था इल्तुतमिश, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, पतंजलि शास्त्री, सुधीर रंजन दास, अमल कुमार सरकार या एच जे कनिया, सही जवाब जो यहां पर बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि एच जे कनिया। ये भारत के प्रथम चीफ जस्टिस थे, इनका नाम याद रखिएगा। 1950 यानी कि 1950 में इन्होंने भारत के पहले चीफ जस्टिस का कार्यभार संभाला था। जबकि पतंजलि शास्त्री जी की बात करें जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको नजर आ रहा है, पतंजलि शास्त्री भारत के दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इन्होंने 1951 में सीजीआई का पदभार ग्रहण किया था। वर्तमान सीजीआई की बात करते हैं जो कि 47वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका नाम बनता है शरद अरविंद बोबड़े। अगला क्वेश्चन डिटेलिंग, इनका पूरा नाम एच जे कनिया शॉर्ट में कहा जाता है, पूरा नाम जो बनता है वो बनता है हरिलाल जे कृष्ण दास कनिया। हरिलाल जे कृष्ण दास कनिया इनका पूरा नाम बनता है। 1951 में इन्होंने भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यभार संभाला था। अगला प्रश्न, अशोक चक्र पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट अशोक चक्र, त्रिवेणी सिंह, नीरजा भनोत, कीर्ति जे गुप्ता, अनामिका सरकार। चारों के चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं और यहाँ पर जो सही जवाब बनता है वो बनता है नीरजा भनोत। आप इनकी तस्वीर भी यहाँ पर देख सकते हैं। नीरजा भनोत का नाम आपने जरूर सुना होगा, कुछ ही समय पहले एक बॉलीवुड फिल्म भी इनके ऊपर बनाई गई थी, इसका नाम था नीरजा, जिस फिल्म में सोनम कपूर ने किरदार इनका निभाया था। इन्हें गोली मार दी गई थी जब इन्होंने सैकड़ों पैसेंजर्स को बचाया था, क्योंकि ये एक एयर होस्टेस थी और पैन एएम फ्लाइट 73 में वो अपना काम कर रही थी जब उसे टेररिस्ट यानी कि आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था 5 सितंबर 1986 को। आतंकवादियों से बच बचाकर इन्होंने किसी तरह से सैकड़ों पैसेंजर्स की जान बचाई थी, लेकिन अंततः आतंकवादियों ने इन्हें गोली मार दी थी। तो ये भारत की सी बिकम द यंगेस्ट रेसिपिएंट अशोक चक्र अवार्ड, ये भारत की सबसे युवा अशोक चक्र प्राप्त करने वाली रेसिपिएंट भी हैं, प्राप्तकर्ता भी हैं। अशोक चक्र के बारे में एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्तों और साथियों कि अशोक चक्र उन्हीं को दिया जाता है जिन्होंने दुश्मन की अनुपस्थिति में यानी कि देश युद्ध का सामना ना कर रहा हो या किसी दुश्मन कंट्री के साथ हमारा युद्ध ना चल रहा हो, शांति का काल हो, शांति काल के दौरान अदम साहस और परिचय देने वाले व्यक्ति को इस पुरस्कार के लिए चुना जाता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है कि पेन एएम फ्लाइट 73 को पाकिस्तान में हाईजैक करके काफी समय तक, काफी देर तक रोका गया था और इनकी मौत भी पाकिस्तान में ही हुई थी जब टेररिस्ट ने फ्लाइट को हाईजैक करके, वो टेररिस्ट इस फ्लाइट को पाकिस्तान ले गए थे। तो पाकिस्तान की सरकार ने भी इनके साहस और बलिदान को सराहा और अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान से इनको सम्मानित किया था। तो ये भी याद रखिएगा, भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट भारत रत्न, लता मंगेशकर, इनको भी भारत रत्न मिल चुका है, एम एस सुभलक्ष्मी, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा। वैसे अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो चारों की चारों ये महिलाएं काफ़ी पॉपुलर हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं, लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ भारत रत्न जिस महिला को मिला था उनका नाम है भारत की पूर्व प्रधानमंत्री और अभी तक भारत की इकलौती महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी की अगर हम लोग यहाँ बात कर लें तो भारत रत्न, इमेज पर यहां पर फोकस मत कीजिएगा, दूसरी इमेज यहां पर लगी हुई है, भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। इंदिरा गांधी जी को 1971 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रपति और भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब को 1997 में भारत रत्न दिया गया था। मदर टेरेसा जी को 1980 में भारत रत्न दिया गया था और टू नॉन इंडियंस को भी यानी कि गैर भारतीयों को भी भारत रत्न दिया गया है, जिनमें खान अब्दुल गफ्फार खान शामिल हैं जिन्हें 1987 में और नेल्सन मंडेला जिन्हें 1990 में भारत रत्न पुरस्कृत, भारत रत्न से पुरस्कृत यहाँ पर किया गया था। लता मंगेशकर सुर सामग्री इनको कहा जाता है, भारत की स्वर कोकला भी कही जाती हैं। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया था।
अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, अगर कोई इतिहास पढ़ता है तो ये क्वेश्चन आसानी से बता सकते हैं और ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आपका देखने को मिला है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, हम सभी ये जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। अब यहाँ पर पहले मुस्लिम जो प्रेसिडेंट हैं INC के वो कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 WC बैनर्जी, ऑप्शन नंबर 2 दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर 3 बदरुद्दीन तैयब जी, या ऑप्शन नंबर 4 जॉर्ज यूल। करेक्ट आंसर, सही जवाब बनता है बदरुद्दीन तैयब जी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, और जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई तो पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे WC बैनर्जी, जबकि दूसरे अधिवेशन 1886 के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, तीसरे अधिवेशन यानी कि 1887 के जो अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे और पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी थे, और 1888 की अगर हम लोग बात करते हैं, 85 में INC की स्थापना हुई, 86, 87 और 88, 1988 में जब चौथा इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो पहली बार कोई ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज को यहाँ पर इसका प्रेसिडेंट चुना गया था, तो फर्स्ट ब्रिटिश या फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो आंसर आपका बनेगा जॉर्ज यूल। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, पहला ऑप्शन जाकिर हुसैन, सेकंड ऑप्शन डॉक्टर एस राधाकृष्णन, थर्ड ऑप्शन सरदार पटेल जी, या ऑप्शन नंबर 4 अबुल कलाम आजाद जी। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, पहले उपराष्ट्रपति का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगर हम बात करते हैं जाकिर हुसैन साहब की, तो जाकिर हुसैन साहब भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन साहब थे। सरदार पटेल की बात करते हैं तो सरदार पटेल भारत के पहले होम मिनिस्टर थे यानी कि गृह मंत्री थे, और भारत के पहले उप या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे यानी कि फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो आंसर होगा सरदार पटेल, और फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो भी आपका आंसर होगा सरदार पटेल। अबुल कलाम आज़ाद जी की बात करते हैं तो आज़ाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद जी। अगर हम बात करते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, तो वे एक दार्शनिक यानी कि फिलोसफर भी थे, एक नेता भी थे यानी कि स्टेट्समैन भी थे, और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी यही थे 1952 से लेकर 1962 तक, और उसके बाद भारत के दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बाद 1962 से लेकर 1967 तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था, और इन्हीं के जन्मदिन और जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष हम लोग 5 सितंबर को टीचर्स डे भी मनाते हैं। अगला प्रश्न, भारत रत्न के पहले विदेशी प्राप्तकर्ता कौन थे? फर्स्ट फॉरेन रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न मदर टेरेसा जी, अब्दुल गफ्फार खान जी, नेल्सन मंडेला जी, या इनमें से कोई नहीं। इससे पहले हमने अभी ये देखा था कि दो गैर भारतीयों को या दो विदेशी व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था, जिनमें नाम अब्दुल गफ्फार खान जी का था और नेल्सन मंडेला जी का था। करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अब्दुल गफ्फार खान। थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में, अब्दुल गफ्फार खान जी के निकनेम की बात करें तो इन्हें बच्चा खां के नाम से या फ्रंटियर यानी कि सीमांत गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये एक पश्तूनी इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट थे जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। बच्चा खान जी ने खुदाई खिदमतगार नाम के एक आंदोलन को भी लीड किया था। खुदाई खिदमतगार का जो आंदोलन था, इसका मतलब होता है खुदा के सेवक या सर्वेंट्स ऑफ गॉड। इस मूवमेंट को आज़ादी से पहले 1929 में इन्हीं की लीडरशिप में चलाया गया था। अगला प्रश्न, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट, भारत का पहला उपग्रह कौन है? रोहिणी, भास्कर, आर्यभट्ट, बाणभट्ट। करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बनता है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आर्यभट्ट। आर्यभट्ट साहब का नाम आप सभी ने जरूर सुना होगा। आर्यभट्ट वाज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट नेम्ड आफ्टर द इंडियन एस्ट्रोनॉमर ऑफ द सेम टाइम। उस समय आर्यभट्ट नाम के खगोल शास्त्री भी हमारे हिंदुस्तान में हुआ करते थे। आर्यभट्ट जो कि भारत का पहला सैटेलाइट था, उपग्रह था, इसे 19 अप्रैल 1975 को एक रशियन रॉकेट से जिसका नाम था 3M बाई कॉस्मोस, इसके द्वारा इसे अंतरिक्ष में भेजा गया था। अगला प्रश्न,
पहला विमान वाहक भारतीय जहाज कौन सा है? फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन शिप, INS विक्रमादित्य, INS विराट, INS विशाल या INS विक्रांत। करेक्ट आंसर, सही जवाब INS विक्रांत होगा। ये नाम आपने जरूर सुना होगा। INS विक्रांत हमने जो ब्रिटेन की रॉयल नेवी है उनसे खरीदा था। INS विक्रांत को ब्रिटेन की रॉयल नेवी HMS हरकुलिस के नाम से अपने देश की नेवी में सेवा के लिए ले रही थी। इसके बाद इसे कमीशन किया गया और इसे भारत ने इसे खरीद लिया एज द फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ द इंडियन नेवी एंड प्लेड अ की रोल इन इंडो पाकिस्तान वॉर इन 1971। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, तो INS विक्रांत ने समुद्र में सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही अच्छा जो रोल है वो अदा किया था। भारतीय नेवी के द्वारा 1971 की जंग में एक ऑपरेशन भी चलाया गया था। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ट्रिडेंट या ऑपरेशन त्रिशूल। ऑपरेशन त्रिशूल भारतीय नेवी ने पाकिस्तान शहर को कैप्चर करने के लिए या पाकिस्तान के कराची शहर को चारों तरफ से घेरने के लिए ये ऑपरेशन चलाया था। इस ऑपरेशन को 4 दिसंबर 1971 को चलाया गया था और यही रीजन भी है कि 4 दिसंबर को इसी ऑपरेशन को चलाने के उपलक्ष में नेवी डे या नौसेना दिवस भी भारतीय नेवी आपकी मनाती है। अगला प्रश्न, फर्स्ट वुमेन टू बिकम मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सुष्मिता सेन, रीता फाड़िया जी, ऐश्वर्या राय या फिर लारा दत्ता। करेक्ट आंसर की यहाँ पर हम बात कहें, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सुष्मिता सेन। 1994 में यानी कि 1994 में ये भारत की पहली मिस यूनिवर्स आपकी बनी थी। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ लारा दत्ता की, तो लारा दत्ता भी मिस यूनिवर्स बनी थी लेकिन पहली नहीं। 1994 में सुष्मिता सेन पहली मिस यूनिवर्स थी, जबकि लारा दत्ता सन 2000 में भारत की दूसरी मिस यूनिवर्स यहाँ पर बनी थी। रीता फाड़िया भी कई जगह लोगों को ये आंसर लगता होगा, आप सभी के मन में भी डाउट होगा, तो रीता फाड़िया जहां कहीं भी आंसर करना है तो याद रखिएगा, वो मिस यूनिवर्स नहीं थी, वो मिस वर्ल्ड थी। तो पहली मिस वर्ल्ड जो इंडिया से चुनी गई वो थी रीता फाड़िया जी 1966 में। और ऐश्वर्या राय भी, अगर हम ऐश्वर्या राय की बात करें तो वो भी आपकी मिस वर्ल्ड चुनी गई थी 1994 में। तो 1994-1994 में सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स चुनी गई और उसी वर्ष ऐश्वर्या राय भारत की ओर से मिस वर्ल्ड चुनी गई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे नोट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन पायलट वॉज, पहले भारतीय पायलट कौन थे? दीपन मेहता, नवल टाटा, रमेश आहूजा या JRD टाटा। सही जवाब की अगर हम लोग बात करें तो सही जवाब है JRD टाटा। JRD टाटा जी का पूरा नाम था जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा और ये भारत के पहले लाइसेंस धारक पायलट थे या पहले भारतीय थे जिनके पास प्लेन उड़ाने का लाइसेंस था। इनका जन्म फ्रांस में हुआ था, याद रखिएगा। ये एक बिजनेसमैन भी थे और चेयरमैन भी थे टाटा ग्रुप के और टाटा सन्स के शेयर होल्डर भी थे। अगर हम बात करें 1983 की, 1983 की, तो इन्हें फ्रांस के सबसे बड़े नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया था। 1992 में इन्हें भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न और 1955 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। यहाँ पर आप सभी के लिए एक लिस्ट है जिसमें जो प्रमुख कंट्रीज हैं उनके जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उनकी एक सूची यहाँ पर दी गई है। इस सूची का स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए और इस लिस्ट को याद रखने का प्रयास जरूर कीजिए। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार होता है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न, फ्रांस में लीजन ऑफ ऑनर, इसी तरह से सभी कंट्रीज के यहाँ पर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की लिस्ट है, इसे याद जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला, फर्स्ट इन वुमेन टू गो इन टू स्पेस, ऑप्शन अल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, सावना पांड्या या कल्पना चावला। मुझे उम्मीद है सभी ने इसका सही जवाब सोच लिया होगा और करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है ऑप्शन नंबर 4 कल्पना चावला। कल्पना चावला जी की बात करें, ये फर्स्ट इंडियन अमेरिकन यानी कि भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट हैं जो कि स्पेस में अंतरिक्ष में गई थी। इनका जन्म 17 मार्च 1962 को हुआ था हरियाणा के करनाल नामक शहर में, याद रखिएगा। 2003 में चावला उन 7 क्रू मेंबर्स में से एक
थी, जो कि स्पेस शटल था जिसका नाम था कोलंबिया, उसका वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जब ये वापस लौट रही थी पृथ्वी पर तो इनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इनके साथ साथ सभी 7 क्रू मेंबर्स की वहां पर मौत हो जाती है। अगला और आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पहली भारतीय मिसाइल है? मिसाइलों के बारे में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, अग्नि मिसाइल है, आकाश मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल है, लेकिन अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय मिसाइल कौन है जिसे भारत में बनाकर तैयार किया गया था, तब आपको वहाँ पर आंसर करना होगा पृथ्वी मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल के कई अलग अलग वर्जन हैं, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, लेकिन पृथ्वी मिसाइल सबसे पहली मिसाइल थी जिसे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत डेवलप किया गया था। और पृथ्वी मिसाइल एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी कि इसे सतह पर सतह तक मार करने के लिए ही बनाया गया है। अब इसके अलग अलग वर्जन है, जो कि अलग अलग दूरियों के अलग अलग वर्जन है यहाँ पर, लेकिन अगर सीधा सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछा जाता है कि भारत की सबसे पहली मिसाइल जो भारत ने बनाकर तैयार की, तब आपका आंसर यहाँ पर बनेगा पृथ्वी मिसाइल। दोस्तों और मेरे साथियों, इस महत्वपूर्ण क्लास का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और क्या आप चाहते हैं कि इसी सेशन का सेकंड पार्ट भी लाया जाए तो मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अभी तक आपने अंकित गुप्ता जी के चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज का नाम बनता है जीके वेदास और टेलीग्राम चैनल का नाम बनता है अंकित गुप्ता जीके। इसी के साथ इस सेशन को करते हैं यहीं पर समाप्त, तो अगला सेशन जल्द ही लाएंगे आप सभी के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।